मतलब आपका जवाब ये था कि शादी नहीं करनी। नहीं, शादी तो माशाल्लाह मैंने 6 करी हुई है। लड़का 20 से 25 मिनट में बच्चा कर देता। नहीं भाई, डायरेक्ट 9 महीने बाद करना भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो आज हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा कराची की आवाम के पास। हमने सोचा क्यों ना थोड़े से यहाँ के करंगी के लोगों की दिमागी हालात का पता किया जाए कि देखा जाए कि आजकल वो लोग क्या सोच रहे हैं। मस्त प्लान है, क्योंकि तुम लोग व्यूज वगैरह तो रोस्टिंग की वीडियोस पे दे नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा कराची की आवाम को देखा जाए कि आजकल उनके दिमागों में क्या चल रहा है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्या करने आए थे आज यहाँ? आज भाई यहाँ ऐसे घूमने फिरने, शुगर मिला रहा है। अच्छा, तो भाई मैं तुमसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल करूंगा, छोटे मोटे से, जो दिल में आए, जो सिंपल सा जवाब लगे वो दे देना, जो दिल को अच्छा लगे। तो सिंपल सा सवाल इतना सा है, वो ऐसा कौन सा काम है जो लड़का 20-25 मिनट करके थक जाता है और लड़की बोलती और करो? आगे आ जाओ, मसला नहीं है यार, सामने आओ। क्या है ये? वो काम है जो नहीं, नहीं, जो जो दिल को अच्छा लगे बोलो। क्या हो सकता है? जो रात में करते हैं। हाँ तो भाई, क्या हाल है? बट दुआ आपकी भाई, क्यों कर रहा है? अच्छा, शादीशुदा हो? नहीं भाई। क्यों नहीं हुई भाई? करेंगे, अभी उम्र ही क्या है। किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया, तुमने किसी को पसंद? हमको तो लोगों ने पसंद करा, बट अभी क्या करें, हम किसी को पसंद नहीं करते। अच्छा, मतलब सख्ती में रहते बोले? बापुल कड़क में रहते। अच्छा, तो हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं, 2-3 सिंपल से, ठीक है? जो दिल में आए जवाब दे देना, ठीक है? तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सा काम है जो लड़का 20 से 25 मिनट करके थक जाता है और लड़की बोलती है मुझे और करना? लड़का 20 से 25 मिनट में बच्चा कर देता? नहीं भाई, डायरेक्ट 9 महीने बाद करता भाई। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि वो कौन सा काम है जो 20-25 मिनट करके लड़का थक जाता है, लड़की बोलती है मुझे और करना? नाना बोलती है, नाने दे यार। तो आप लड़का लड़की को साथ मिल जा रहे हो, मतलब बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम चाचा, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं छोटी सी यूट्यूब के हवाले से, जिसमें हम आपसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल पूछेंगे, तो उसका आपने बस जो दिल में आए ना वो जवाब दे, सिंपल सा। तो चाचा, आपसे मैंने जो पहला सवाल करना है, आपका पहला सवाल ये है, आज तक लाइफ में कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के बाद लगता हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था? कहने का मतलब है, लाइफ में तो एक ही जिंदगी है, शादी करिए बस। अच्छा, मतलब आप शादी करके मतलब सोचे कि क्यों ऐसे परेशानी है? अच्छा, और आप कोई ऐसा काम जो जिंदगी में करके आज सोच रहे हो कि नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था लाइफ। भाई रात में तो यार बंदा खाना भी पकाता है, सब करते हैं, मतलब है। हाँ, तो मतलब ये तो जवाब नहीं हुआ ना, फिर भी क्या? आओ यार, डरो नहीं। क्या आपको क्या लगता है, क्या जवाब होगा? भाई को बताने बोल, करते हैं ना रात को जो शुगल मस्ती में। शुगल मस्ती में नशा, मतलब रात में शुगल मस्ती करते? तो मतलब आप रात में शुगल मस्ती करते हो तो उससे लड़का थक जाता है? नहीं, फिलहाल मैं तो नहीं करता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा कब करने का? अच्छा, फिर भी जवाब क्या हुआ, क्या लगता है? यही है भाई जवाब। क्या? नाना। 20-15 मिनट? ना, 20 मिनट। अच्छा, लेकिन इसका जवाब तो ये नहीं है। चलो आप बता दो भाई। इसका जवाब है शॉपिंग। वाह, अरे वाह, सही है भाई, एक हो गया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और तुमसे छोटा सा पूछता हूँ, एक पहेली है, ठीक है तुम्हारे लिए। एक बादशाह होता है, वो अपना घोड़े पे सवार हो गया ना, जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, तो उसे वहाँ दिखती है कि हिरन, उसका नाम होता है तेरी, ठीक है? वो तेरी के ऊपर निशाना लगाता है और उसको मारता है, तो तेरी वहाँ पे गिर के तड़पने लगती है, तो वो अपने घोड़े के साथ जाता है तेरी के पास, तो उसके घोड़े का पाँव तेरी के गले पे चढ़ जाता है, तो तेरी फाइनली मर जाती है। तो तेरी किसने मारी, बादशाह ने या घोड़े ने? बोलो, पेड़ों ने मारी है ना मेरे यार। हाँ, तो किसने मारी? घोड़े ने मारी भाई। तेरी घोड़े ने मारी? घोड़े ने मारी। पक्का? पक्का भाई। बादशाह ने जो तीर मारा था वो तो गलत लग गया, लेकिन घोड़ा चढ़ गया, मरी मारी, घोड़े ने मारी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया यार, बहुत। तो बंदा झूठ बोलता है? हाँ। अच्छा, आप झूठ तो नहीं बोलते? नहीं, मैंने हाँ मैंने सुनी थी कि जो बंदा झूठ बोलता है ना वो बहुत ज्यादा काला होता है। आप बोल रहे हैं आप झूठ नहीं बोलते, तो आप काले क्यों?
ये भाई हो जाते हैं धूप में यार, आप क्यों आप बोलते झूठ? नहीं मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, वो मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो तो मैं भी मैं बोलता हूँ। अच्छा मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ। पूछो। एक बादशाह है, वो शिकार में निकला अपने घोड़े के साथ, ठीक है। वो जंगल में गया तो उसे एक क्या बोलते हैं वो दिखी हिरन, उसका नाम था तेरी तेरी। उसने तीर लगाया उस पर, उसको जाके लगा, वो नीचे गिर के कांपने लग गई, तो मरी नहीं ना वो। तो घोड़ा और बादशाह दोनों गए, तो गलती से घोड़े का पाँव ना तेरी के ऊपर आ गया, तो फाइनली मर गई तेरी। तेरी घोड़े ने मारी या बादशाह ने मारी? घोड़े ने। तेरी घोड़े ने मारी, तेरी घोड़े ने मारी। नहीं चाहिए ये तो सही बात है, ये तो आपका मैसेज हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? मैं कहता हूँ आजकल के जो बच्चे हैं नशे से दूर रहो, और हीरोइन के नशा जो करा रहा है उसको भी उठा के जो ना उसी नशे में लगा लो। बिल्कुल अंकल, ये तो हो गया बेहतरीन जवाब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तकरीबन जो है 7-8 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नवासे इतने पूरी है, अपन चौक, रियाज चौक, मतलब आप अपनी एक क्रिकेट टीम बना सकते हैं एक लाखों की तादाद में नवासे है मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। नाना के नाम से मशहूर हूँ मैं। माशाल्लाह। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, वो कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब दोनों कटोरा लेके खड़े होते हैं? कब्रिस्तान में। चाचा जवाब तो ये नहीं है, आप तो ये तो अमीरों की बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब है भाई ये हमारे जितने सियासी मौजू के ऊपर चल रहे हैं, इमरान खान हो गया, नवाज शरीफ हो गया, अल्ताफ भाई हो गए, ये जितने भी हैं हमारे मुस्तफा कमाल भाई हो गए, ये हो गए, ये सब कटोरे ही लेके तो घूम रहे हैं। आजकल किसी ने मेहनत करके खाई है? एक टाइम की रोटी मेहनत करके कमा के खिलाए तो माने के हाँ भाई, किसी गरीब के मुंह में डाल दिया, अब ये तो गरीब के मुंह से नवाला भी छीन लेंगे सारे। और लेकिन अंकल मेरा सवाल का जवाब ये नहीं था, सवाल का जवाब है सिंपल सा, वो हम खड़े होते हैं वो गोलगप्पे वाला आता है उसके आगे तो अमीर भी कटोरा लेके खड़ा होता है। गरीब कहने का मतलब है ऐसे तो हमारे आगे बर्गर लेने भी खड़े होते हैं लेन में, कटोरा लेके कटोरे में तो जाहिर बात है कैशकॉल बोलो, और जिनके पास कटोरा नहीं है वो अपनी टोपी उतार के आगे रख देते हैं ये ले लो। तो अंकल आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कैमरे में देख के इतना कह दें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने को और शेयर करो। शेयर करो। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच।